हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे बाप रे। ओह। कैरम करते रहो, फल की चिंता मत करो। वाह। वाह। नाइस। क्या बात, क्या वर्ड प्ले किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। ये बातें सिर्फ लिखने में अच्छी लगती हैं, अगर फल वाला दो अंगूर भी कम दे तो बंदा ओटीटी वाली गाली देता है। अपनी गोटी सेट करते हुए इनके चेहरे पे खुशी तो ऐसी है जैसे बुफे से रसमलाई उठा रहे हो। राजा की गैर मौजूदगी में रानी के साथ छेड़छाड़ करते हुए। और दिखाइए। ओहो, साठे साहब जी, मॉर्निंग्स एंड रेनी डेज। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। कितना अच्छा मोहल्ला है, बारिश के बाद सुंदर लड़की निकलती है, हमारे तो मेंढक ही निकलते हैं। बरसात होते ही इन्हें मम्मी ने बेसन लेने भेजा है और ये रास्ते में फोटो खिंचा रही है। किसी ने रिप्लाई किया, हो सकता है पापा ने चॉकलेट लेने भेजा हो। आगे देखते हैं। मैडम आंखें खोलो और छाता बंद करो, बारिश बंद हो चुकी है। लव। और दिखाइए। Everything in the universe is within you. Ask all from yourself, Rumi. ये जब आप फोटो डालती हैं, तो रूमी वाला कोट आपके पहले से दिमाग में होता है कि फोटो के हिसाब से ढूंढती हैं? नहीं, फोटो खींचती हूँ और फिर ऐसे कोट याद आता है। अच्छा, याद आता है, ऐसे ढूंढते नहीं उस समय जैसे लड़के ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, वैसे नहीं। वाह यार, लड़कियों के पता कैप्शन बड़े अच्छे होते हैं, लड़कों को बेकार ही होते हैं मैंने देखा। अब लड़का ने यही डाली होती तो लिख देते देखना धीरे धीरे ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। हमारे कितना अच्छा कोट डाला यार, नाइस। दिखाइए कमेंट्स। मैं जलती हुई मोमबत्ती के बीच से उंगली निकाल सकता हूँ, आप निकाल सकती हैं क्या? किसी ने रिप्लाई किया, कृपया हर चीज में उंगली ना करें। किसी लिखा, समझ नहीं आ रहा मैं शम्मा को देखूं या हुमा को देखूं। नीचे नीचे किसी ने रिप्लाई किया, तू कमा के देख। वो तो सब ठीक है पर कैंडल के दूसरी तरफ कौन है? नेशन वांट्स टू नो। किसने खींची फोटो ये? मेरी मैनेजर मोना ने। आगे बताइए। ठंडी हवाएं, सुनहरे नजारे, बस एक कप चाय की कमी है, महारानी डायरी। दिखाइए जरा कमेंट्स। ना भाई ना, दारू के ऊपर चाय नहीं पीते। बगल में जो तार जा रहा है उसको पकड़ के देखो, करंट आता है क्या? हम देखना चाहते हैं बिजली कहां तक पहुंची। इंस्टा पे चैट करने वाली लड़कियां ऐसे ही बेवकूफ बनाती हैं, ऐसी जगह बुला के खुद नहीं आती। एक चैट पीड़ित। किसी ने लिखा, जिससे फोटो खिंचवाई उसी से चाय मंगवा लेते। और दिखाइए। अरे यार, होपिंग इन फॉर ए क्विक ड्राइव अराउंड द ब्लॉक। दिखाइए कमेंट्स। सर, एक्टर बनने के बाद ऑटो अभी भी है या बेच दिया? आज इन्होंने हाफ यूनिफॉर्म पहनी है, लगता है हाफ डे पे है। शेयरिंग ऑटो का पहला कैंडिडेट ऐसे ही बाकी सवारी का वेट करता है। अरे क्या बात है। नमस्ते 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 नमस्ते। ओ महारानी चूंकि कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतना खुशी हो रहा है बता नहीं सकते हैं। एक मिनट लई लोटा। आप में से कुछ लोग तो मिर्जापुर में भी थे ना? आप भी थे मिर्जापुर? आप भी थे? आप लोगों का ना कास्ट मेंबर एक और यहाँ पे मौजूद है, मिलना चाहेंगे? मिलिए, ये रहे कालीन भैया। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन करेंगे नहीं, हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली। हाँ। जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे शर्मा जी, आपके लिए गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। पहला बैड न्यूज देके खत्म करते हैं। नहीं, आपका वो लाल रंग का बूसेट है ना, फेवरेट वाला। हाँ। हमसे थोड़ा सा जल गया है। गुड न्यूज क्या है?
उनमें फिल्म है अक्षय कुमार का करीना कपूर का देखे ना। ओए, तुम मत हंसा, अगर हंसती ऐसा लगता कंगारू को दौरे पड़े हैं। वैसे सिर्फ हम हंसते नहीं हैं, रोते भी हैं। हमने देखा महारानी 2 ना, पूरा पूरा सीरीज देखे हम, हमारी आंखों से आंसू निकल आए। इतनी इमोशनल लगी तुम्हें? नहीं नहीं, 8 घंटा लगातार मोबाइल फोन के अंदर घुस के बिंज वॉच आएंगे तो आंख से आंसू ही निकले। बिंज वॉच आएंगे, बिंज वॉच आएंगे। वैसे हम आपको बताएं, राजनीति के बारे में ऐसा नहीं, हमको नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज है। हम चुनाव में भी खड़े हुए थे। हाँ, फिर पीछे से किसी ने आवाज दी, बैठ जाओ, नेताजी दिख नहीं रहे हैं। कपड़े धोने के अलावा कोई काम आता तुम्हें? हमको एक्टिंग आता है कमाल का। तू कहाँ एक्टिंग करती है? नहीं, करना पड़ता है एक्टिंग। क्या होता है, कपड़ा धोते धोते किसी का कपड़ा फट जाता है तो एक्टिंग करना पड़ता है। क्या आपका कपड़ा का क्वालिटी खराब था? आई डोंट नो। अरे एक्टिंग में हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, सीधा गला जो पकड़ते हैं इसका। हमारा गला होगा तो पकड़ेंगे ना। है कि नहीं? हम गला रखे ही नहीं है, गला में टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारा शोल्डर के बाद सीधा मुंह शुरू किए हैं हम। वैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा लॉन्ड्री में आइए ना किसी दिन। चल, झूठी लॉन्ड्री वाली, कोई लॉन्ड्री नहीं इसकी, तालाब के पास बैठ के कपड़े धोती है। उस दिन साबुन की जगह कछुआ रगड़ रही थी किसी की पैंट पे। कछुआ बेटर होता है, साबुन चलता है 20 दिन, कछुआ चलता है 200 साल। लेकिन उसमें झाग तो नहीं होता ना? अरे तो जरा सा आधा टीका साबुन खिला दीजिए, 3 महीना तक झाग छोड़ता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। इसका यही प्रॉब्लम है, ऐसे उल्टे उल्टे काम करती है। उस दिन ज़ेब्रा था किसी का खड़ा, इसने धुल धुल के उसकी स्ट्राइप्स गायब कर दी। अब वो कदम में बैठा ताश खेल रहा है। आपसे बात करना था, दिव्या बिंदु जी, हमारा जो दिव्या बिंदु क्या होता है? दिव्येंदु जी हैं वो। हाँ वही बोले हम, दिव्या बिंदु जी। देख, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखना चाहिए, प्रॉब्लम होता है। सो हम क्या कर, ए देखिए ऐसा नाम रखिए, सो हम। हम ले भी नहीं रहे थे, निकल आया। इजी हो जाता है। तो हम बता रहे थे, आपका एक सीरीज आया था अनदेखी, वो सीरीज हमने देखी। तो हमको सिर्फ ये जानना है कि अब उसको देखने के बाद अनदेखी ही कहना है कि देखी कह सकते हैं? मत हंसा कर तू ऐसे। आपको पता, नोएडा में जो ट्विन टावर नहीं गिरे, उसके अंदर यही जाके हंसी थी। शर्मा जी, थोड़ा सा सौंफ मिलेगा? क्यों? क्या आपकी बातें हमें हजम नहीं हो रही? दिक्कत है थोड़ा। वैसे हुमा जी, आपको सच बताएं जी, देखिए आपका शादी का क्या इरादा हमको नहीं मालूम। हाँ। पर हम तो शादी के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो गए। तेरी शादी नहीं होगी, ये चोटियां देख कैसी बनाई तूने। तो उससे क्या होता है, चोटियों का क्या? प्रमोद जी क्या देख रहे हैं? हम चुटिया बना नहीं रहे हैं, ये चुटिया है। तो हम बता रहे थे कि एक लड़का है, उसके साथ ना सर 9 मटक का हमारा थोड़ा सा चल रहा है। हुमा जी, जी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत बड़ा आदमी है। इतना बड़ा आदमी है, बड़ा बड़ा लोग उसके सामने सर झुकाता है। क्या करता है वो? वो बाल काटता है लोगों का। और उस तरह तो इस तरह चलाता है जिस तरह उस तरह कोई नहीं चलाता। आए, आए, आए। और बाल डाई करता है, उसका बाल डाई का तो हम डाई हार्ट फैन हैं। और 2 उंगली से कैंची जो कस के पकड़ता है वो। उस पकड़ के साथ कभी हमें जकड़ ले तो मजा ही आ जाए। उसका कैंची चलेगा कचर कचर, हमारा कपड़ा धुलेगा पचक पचक, कचर कचर पचक पचक, कचर कचर पचक पचक, बहुत मजा आएगा। लेकिन हुमा जी, एक थोड़ा प्रॉब्लम है जी। हमने ना वो लड़के को बोल दिया है कि हम दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। हमारा आपका सारा कपड़ा हम ही धोते हैं, हमारा उठना बैठना है साथ में, क्या थोड़ा प्रोफाइल बेटर होता है ना। उसने हमसे कहा है कि अगर तुम हमको हुमा कुरैशी से मिलाओगे तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, ऐसा उसने हमसे कहा है। अच्छा। तो हुमा जी वो यहाँ पर पीछे खड़ा है।
हम उसको बुला लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा ऐसा दिखाइएगा कि आप हमको जानते हैं। अच्छा। और जितना भी एक्टिंग आपको आता है वो हमने सिखाया है, खाली बोल दीजिएगा। अच्छा। बोल दीजिएगा उसमें क्या है। आ जाइए जी। वाह वाह, ये मरेगा स्वागत वाला दिन ही मरेगा ये। यही है हमारे कचर कचर, और आप इनकी पचर पचर पचक पचर। वो ज्यादा शर्मा रहा है। ये भी चुटिया बना रहे क्या चीनी की? चुटिया बनाना खाली हमारा जिम्मेदारी है। अच्छा। अरे देखिए ना, सामने सब हैं इधर। अरे सबको अपना नाम तो बताइए। अरे इतना नजदीक से हमें नहीं सुनाई दे रहा, उनको क्या घड़ी नहीं है? खाक सुनाई देगा? जोर से बोलिए थोड़ा। पुरुषोत्तम। शरीर से बड़ा नाम रखे हैं ये। क्योंकि सोच बड़ा है ना, इसलिए। तो देखिए ना, सामने हुमा जी बैठी है। इतना मत शर्माइए, बैठी है, देखिए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम परमिशन दे रहे हैं, देख लीजिए। कितना शर्माते हैं, रुकिए। आप हमको प्रॉमिस किए थे हम उमा कुरैशी से मिलाएंगे, आप प्रपोज करेंगे, तो प्रपोजिंग का आ गया है मोमेंट। चलिए तो अब आप हमको प्रपोज कीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बहुत खुश रखेंगे आपको। ब्रश किया है? कुछ भी कर सकते हैं, बाथरूम करके आओ। आई लव यू। हाय, सिर्फ बतियाते ही रहेंगे, अंगूठी भी तो पहनाइए। अरे हाथ आगे करेंगी तब ना। हाँ तो हाथ तो आगे किए हैं, ये हमारा पैर है। ये बैठा है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हैं। हम तुमसे शादी करेंगे। हम तो उमा जी को देखना चाहते थे इसलिए सब किए, वरना हम तुमसे शादी करेंगे। तक कह दीजिए, कहती जी के झूठ है। नहीं है, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। नहीं करना है शादी? नहीं। यहाँ आइए। नहीं क्या है? आइए तो। क्या है? आइए आइए। अब एक बात क्या समझता है? हमको भी कोई शादी नहीं करना है तुमसे, आया बात समझ में? और क्या करते हैं ये, बाल ही तो काटते हैं। हाँ, खाली काटने का काम कीजिए, जोड़ने का कोई काम मत कीजिए जीवन में। और जुओं का घर होता है बालों में, उसको काट के जुओं का घर खराब करते हैं। शर्म नहीं आता है आपको? ये कोई काम है? हमको भी आपसे शादी नहीं करना है। लोग इतना मेहनत करके अपना बाल सफेद करते हैं, उनको काली लगाते हैं। चलिए निकलिए, शादी तो बहुत दूर का बात है, जाइए यहाँ से। जाते हैं। I'm sorry, हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। हाँ हाँ, काफी हो गए। थोड़ा फचक फचक करते करते हो जाता। हाँ। नहीं, आप चुटिया बना रही थी, वो चुटिया बना के चला गया। वैसे आपको सच बताएं, हम तो सब प्लानिंग भी किए थे कि शादी करेंगे तो एक बैचलर पार्टी होगा। हाँ। इतना सारा हमारी सहेलियां आएंगे, लौंडा डांस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बहुत ही लो फील कर रहे हैं। तो महारानी जी, जी हमारी जनता की कुछ समस्याएं हैं जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री का किरदार निभा रही हैं, तो आप इनका निदान कीजिए प्लीज। कौन कौन है भाई साहब? जी आइए। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम। हेलो। हेलो एवरीवन, मैं पवन सिंह बिहार से हूँ। पवन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। महारानी जी, मेरी समस्या ये है जी कि मेरी बीबी महीने में 2 दिन मेरा बहुत ख्याल रखती है, बाकी के 28 दिन मुझे काम पे भगाते रहती है। इसके लिए आप एज ए चीफ मिनिस्टर क्या कानून पास करेंगे उसमें? ये पता करो 28 दिन किसका ख्याल रखती है वो। 28 दिन पेमेंट के चक्कर में पड़ी रहती हैं। आपकी बीवी आपसे पेमेंट लेती है? ये
यार वो कहती है कि जाओ कमा के लाओ तनख्वाह लेके आओ ऐसा yes, पवन जी ये तो देखिए हक होता है ये तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो वो भी घर संभाल रही हैं तो क्या आप इनको सॉल्यूशन क्या देना चाहती हैं जो दो दिन आपकी पत्नी आपका ख्याल रखती है आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता है पर वो पेमेंट लेने के लिए ख्याल रखती है जब मेरी सैलरी आती है उतना ही दो दिन ख्याल रखती है तो वो जो आपका ख्याल रखती हैं तो वो ख्याल कहाँ पे रखती हैं आपने देखी वो जगह ख्याल मेरे ऊपर ही रखती है चलिए शुक्रिया पवन जी ये तो देखिए आपसी मसला है और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जी मैडम आइए मोहतरमा नमस्कार जी क्या हाल है हेलो कपिल सर हेलो एवरीवन हाय सर मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं अच्छा और मैं इंजीनियर हूँ हम लोग सारा दिन बाहर होते हैं जब शाम को हम डिनर के बाद घर पे रहते हैं जब आराम का टाइम होता है तो जो मेरी पड़ोसन है वो काफ़ी मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं और बर्तने तोड़ते हैं तो महारानी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कोई आप प्रावधान बनाइए ऐसे पड़ोसियों के लिए नहीं नहीं 100% आई थिंक लड़ाई झगड़ा तो बहुत ख़राब बात है अगर आप सुने आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो रहा है या कोई वायलेंस हो रहा है तो आपको उसको डेफिनेटली रोकना चाहिए जाके घंटी बजानी चाहिए और बोलना चाहिए कि भैया मत झगड़ा कर लिया वो भी करके देख लिया मैं डंडा लेके जाओ उस आदमी के बर्तन तोड़ दो दोनों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी मैडम नमस्कार हेलो कपिल सर हेलो एवरीवन हाय मेरा नाम खुशहाली है मैं मुंबई से हूँ खुशहाली आई आज हमारे शो पे मेरी एक समस्या है जो मैं महारानी के सामने रखना चाहती हूँ जी आई गेस ये समस्या सभी लेडीज लोग की है जब भी हम तैयार होने जाते हैं तो हस्बैंड हमारे पीछे आके पूछते हैं कितना टाइम और तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि उन्हें ये सवाल पूछने का अधिकार ही ना हो और मैं आराम से 3 घंटा लेके सुकून से रहे ये और इजी हो जाएंगे आप बोलते हो अधिकार बंद कर दो वो पूछने नहीं आएंगे अकेले चले जाएंगे ये मत बंद कराओ आप ये तो गलत हो गया उल्टा हो गया नहीं सर ऐसा नहीं होता है बहुत दिक्कत आती है उनको तो सिर्फ शर्ट और पैंट पहनना है और रेडी हो जाना है सिर्फ शर्ट और पैंट पहनते हैं आपके हस्बैंड देखिए मैं एक्चुअली इनसे अग्री करती हूँ आई थिंक लड़कियों को ज्यादा समय लगता है और अच्छी बात भी है लगना भी चाहिए क्योंकि देखिए अब लड़के भी लड़कियों को देखते हैं और बाकी लड़कियां भी लड़कियों को देखती हैं तो एक्चुअली लड़कों को दिखता है नहीं सॉरी कपिल दुनिया में मैं ही एक लड़का हूँ और इधर भी हैं कितने सारे उनको बोल देती आप बेस्ट लड़के हो ना यहाँ पे इसलिए ओके तो आई अग्री विथ यू कि आई थिंक बॉयज को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे सबसे पहला लॉ कानून में यही पास करूंगी कि खबरदार किसी लड़के ने मुझसे पूछा कि बेबी कितना टाइम लगेगा थैंक यू शुक्रिया मैम कितना इंटेलेक्चुअल बात किया आज आज और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब ऐसा क्या बच गया जो आप कहना चाहते हैं मेरा नाम बॉस है और मैं दिल्ली से आया हूँ आपका नाम बॉस है बॉस सहाय श्रीवास्तव मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी देखिए जैसे अपन बॉयज लोग हैं तो गर्ल्स पसंद करते हैं कि गई गर्ल्स हमको पसंद करें तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है रियली कि जो मैरिड वुमेन्स हैं वो मुझे मतलब मेरा कोई अप्रोच भी नहीं करता इवन देन मुझे पसंद करती हैं बट मेरी प्रॉब्लम जो है जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मुझे पसंद नहीं करती हैं यार ये पहली बार मैंने ऐसी समस्या सुनी है मैं चाहता हूँ अपोजिट हो जाए लाइक जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मुझे पसंद करें और मैरिड ना करें हम क्यों ऐसा सोचें आपके लिए हमें क्या पड़ी है पहले बताइए हम अपने काम धंधे पे ध्यान दें देखिए आप सीनियर्स हैं सीनियर क्या मतलब मैं क्या दादा साहब फालके के साथ आया था यहाँ पे हो सकता है आपको लगता ही हो कि वो औरतें मेरी तरफ देख रही क्या बताओ वैसे ही जा रही हूँ कहीं अभी क्या आपको मैं अपने क्या चैट्स वगैरह दिखाऊं क्या मतलब ओके गाइस देखो ये अच्छा मस्ती मजाक अपनी जगह है बहुत सीरियस बात बता रहे हैं ये चाहते हैं कि कोई अच्छी लड़की सिंगल इनको मिल जाए और कोई मैरिड वुमन जो आपसे फ्लर्ट करी वो ना करे तो मैं आपके शो के माध्यम से उन सभी ब्याहता औरतों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज इनसे चैट करना बंद कर दीजिए और सभी कुंवारी लड़कियों से कि देख लो मतलब अच्छा लड़का है यार बॉस आप यार बंदे बड़े प्यारे हो थैंक यू सो मच सर जो चल रहा है चलने दो जिंदगी है बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट आशीर्वाद टाइप चाहिए थोड़ा सा क्या चाहिए हम क्या हूँ ब्याहता औरत पतियों से लड़े जाके
ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स बस ब्लेसिंग्स बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार जोरदार तालियां अरे सो हमारे मेहमानों के लिए। आइए हुमा आइए सो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने अभी तक महारानी सीजन 2 नहीं देखा जाके देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू थैंक यू कपिल, लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू हुमा। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। वी लव यू कपिल। थैंक यू ग्रेसी साहब। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।